मामला सामने आया है। डॉक्टर की कड़ी मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, परंतु हत्या किस वजह से हुई है अभी तक मामला सामने नहीं आ पाया है। आरोपी की पुरानी रंजिश थी और वह नशा करता था। डॉक्टर विनोद गांव में क्लिनिक चलाता था। बीती रात उसकी जब वह किसी के घर दवाई देने गया था तो गली में आरोपी व्यक्ति ने कड़ी से वारदात को अंजाम दिया और पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल करी जा रही है। हत्या के ही मामले एक साजिश के तहत हत्या की गई है उसकी। और जब ये हादसा हुआ तो उसका भाई भी और उसका फादर भी वहीं पर खड़े थे, तो किसी ने भी उसको बीच बचाओ आके छुड़वाने की कोशिश नहीं की। अगर साजिश ना होती तो वो छुड़वाते उसको, उन्होंने किसी ने नहीं छुड़वाया और उसके मौके पे ही उसकी मौत हो गई। तीन बार कड़ी से वार किया गया और उनकी मौत हो गई है। अब सदर थाने में आए हुए हैं, यहाँ पर FIR करा दी गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हम प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। बस अब मर्चरी हाउस जाएंगे, वहाँ से पोस्टमार्टम करा के संस्कार करेंगे। क्या नाम आपका? नरेश कुमार। क्या पता लगा अभी तक? अभी आप सुन ही रहे जी मामला। क्या बतावे थोड़ा? बस अपना विनोद था, शरीफ बच्चा था, संगोई में परिवार का, खेती बाड़ी भी करता था, प्रैक्टिस भी करता था। बस अपना डॉक्टर का काम करता है। हाँ जी हाँ। तो कौन है मारने वाला? कड़ी कासो राजपूतों में से है। चलो और अंदर कर भी रहा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जी जो उनके घर के कहेंगे, उनके खास निजी कहेंगे भाई, उनके किस किस का अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट होना चाहिए, सजा इनको मिलनी चाहिए। आरोपी पकड़ लिया? आरोपी पकड़ लिया। उसके और भी परिवार के भी? हाँ, दो की और मांग रहे हैं। दो की मांग? एक भाई एक भाई। हो सकता है, हो सकता है उसके घर से निकला था। तो लेके हो रही है क्यों? हम मैंने जाके सुबह तफ्तीश भी करी थोड़ी बहुत, बल्कि मैं अगले घर भी गया, पूछ के आया मैं भाई ये किस काम से यहाँ आया हुआ था। तो एक लेडीज ने बताया भाई ये मेरा बेटा बीमार है, उसको दर्द था तो उसको दवाई देने आया हुआ था यहाँ गली में। तो उसके भाई ये बता रहा था भाई ये इसके भाई के पास खड़ा था, उधर से वो कड़ी लेके आया जिसने मारा जी। तो पुरानी मतलब कोई रंजिश थोड़ा बहुत क्या सुनी हुई है जिनकी? थोड़ी बहुत रखती थी, 15-20 दिन पहले कोई हुई थी इनकी आपस में दोनों की। किस बात पर हुई थी? बस मैडम ये तो इस बारे में पता नहीं किस बारे में। विनोद क्या करता था? खेती बाड़ी भी करता जी, प्रैक्टिस थोड़ा डॉक्टर के पास अपनी दवाइयां थोड़ा बहुत करता था, प्रैक्टिस ही करता था जी। गांव में केस दर्ज हो गया? केस दर्ज हो गया जी, FIR कट गई। जो 300 हत्या का केस दर्ज किया? हत्या का केस। आरोपी जो सोनू है उसको हिरासत में ले लिया? उसको हिरासत में ले लिया जी। तो आप देख, क्या सूचना मिली थी? सर ये विनोद नाम का लड़का है जो RMP डॉक्टर है गाँव संगोई से, तो ये गाँव में कर रहे थे अपने दवाई वगैरह देते थे गाँव में। तो सोनू नाम का लड़का है संगोई का, काफ़ी पुरानी इनकी कोई कैश नहीं थी। उसके बाद इसने कल शाम को 8 बजे कड़ी को लेकर, छत की कड़ी को, और उसके पर हमला बोल कर ना उसके सिर में 3-4 बार किए और वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसके बारिश उसको हॉस्पिटल ले आए, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मौत हो गई है। तो सोनू के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, कस्टडी में है। हत्या केस दर्ज किया जी सर। तो और भी कोई आरोपी है उनके साथ? और अभी खुलासा हुआ नहीं अभी बात का। अच्छा, लेकिन FIR दर्ज हो गई है। दो आरोपी और बताए जा रहे हैं? हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन में आ गए तो वो भी लिए जाएंगे। हिरासत में ले लिया पूछताछ के लिए? पूछताछ के लिए हिरासत में है, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं डेड बॉडी का, वारसन को देकर फिर उसी कार्रवाई में भेज रहे हैं। तो मृतक डॉक्टर था? डॉक्टर RMP डॉक्टर गांव में लोकल दवाई देता था। तो ये क्लिनिक पे ही हादसा हुआ या बाहर? एक बार गली में किसी काम से जा रहा था, दवाई देने ही जा रहा था किसी के घर में, तो रास्ते में उसको पीछा करके और कड़ी का वार किया, 3-4 बार किए सिर में, हेड इंजरी से उसको। तो कोई पुराने रंजीश का मामला लगता है? तो हाँ, काफ़ी पुरानी बता रहे हैं। तो ये कोई जो आरोपी है नशा करता है कोई? अभी करेंगे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही जांच जारी है। उसके बाद ही सामने जो बात आएगी उसके अनुसार उसको अरेस्ट करके अगली कार्रवाई की जाए। गांव का ही रहने वाला आरोपी? गांव का ही। गांव का ही मृतक भी रहा आरोपी भी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत Sector 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र ₹21,000 देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।
ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।